हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नाम लिखे हुए हैं और ये एज लिखी हुई है। तो ये वो स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल है। कौन सा फॉर्म? जो भी फॉर्म निकला हो उसके लिए इलिजिबल है। तो इनकी एज जो है, वो स्टूडेंट इलिजिबल होंगे जिनकी एज, अब देखिए इसमें किसी का एक साल एज है तो ये तो इलिजिबल नहीं है, आठ साल एज है तो ये तो इलिजिबल नहीं है, छह साल एज है तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो 18 से लेकर, देखिए एज हमें टाइप करने दे, ऐसा वैलिडेशन लगाना है 18 से लेकर 35 के बीच में, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एज हटा देता हूँ, ठीक है, और अब इसको सेव कर लिया। अब यहां से क्या करते हैं, डिजाइन व्यू पे लेते हैं इसको। जैसे डिजाइन व्यू पे लेंगे तो यहां पर आपको एक वैलिडेशन दिखाई पड़ेगा, ये देख सकते हैं, ये वैलिडेशन मैंने लगाया है। और यहां पर टेक्स्ट मैं दे देता हूं 18 to 35, ये मैंने कर दिया। और यहां से व्यू पे क्लिक किया और ये यस कर दिया। अब देखिए यहां पर आप एज एंटर करिए, जैसे मान लीजिए 5 एंटर करिए तो ये आपको 5 एंटर ही नहीं करने देगा, कहेगा कि एंटर एज बिटवीन 18 and 35। तो 18 से लेकर 35 साल के बीच में एंटर कीजिए ना, तो ये 18 एंटर किया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं 19 एंटर करता हूं, 19 एंटर करने देगा, हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए 19 एंटर कर पा रहा हूं, ठीक है। क्या मैं 34 एंटर कर सकता हूं? 34 एंटर कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं अगर 17 एंटर करता हूं तो क्या होगा, ये देखिए ये 17 एंटर किया। तो ये वैलिडेशन हमें कह रहा है कि एंटर ओनली द एज बिटवीन 18 to 35। तो 18 से लेकर 35 तक एज एंटर करिए ना, उससे कम मत एंटर कीजिए और ना ज्यादा एंटर कीजिए। तो 35 से एक बार ज्यादा भी करके देख लेते हैं, 88 साल कर देते हैं, तो 88 साल के बुढ़ऊ को नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर 35 अगर मैं कर देता हूं तो ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह से 34 कर देता हूं मैं, तो ये देखिए ये जो है एक्सेप्ट कर जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।